सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हाँ, आप लोग सब बढ़िया ही होंगे। सो आज की वीडियो में हम जो है क्या करने वाले हैं, सो काफ़ी ज़्यादा दिन से मेरे पेपर्स लगे हुए थे, उस वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया हूँ भाई। तो आज की वीडियो में पता है क्या सीन होने वाला है? आज की वीडियो में बस बुलाने लगा। तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि आज की वीडियो में जो है हम लोग जाने वाले हैं एक जगह पे जहां हम अपना नेम लिखवाएंगे। एक्चुअली एक पार्टी सी होने वाली है, मतलब पार्टी भी क्या, फंक्शन बोलता हूँ, वहां पे हमारा कुछ फंक्शन होगा और मैं पार्टिसिपेट करने वाला हूँ उसमें। सो वहां पे मैं अपना नेम लिखवाने वाला हूँ और इतने ज़्यादा दिन से जो है मेरे पेपर्स थे लगे हुए, उस वजह से मैं शूट नहीं कर पा रहा था पेपर्स की वजह से। तो आज जो है ऐसा करते हैं, धूप भी चलेगी भाई, अब बढ़िया आ रहा होगा ना। हाँ, तो ऐसा करता है, इधर से चलता है कॉलेज को और उसके बाद चलते हैं फंक्शन में नेम लिखवाने के लिए। लेट्स गो, चलो लेट्स गो, कॉलेज आना। फाइनली यार, हमारा बेस्ट फ्रेंड मिल चुका है हमें कॉलेज में। तो ये पता नहीं पढ़ता क्या है, उसकी तरह ये चला जाओ, चलते हैं आगे। चलो चलो लेट्स गो, हम नीचे जा रहे हैं पढ़ने के लिए। हम भी नीचे जा रहे हैं तो पढ़ने के लिए। नीचे कौन पढ़ता है, लाइब्रेरी तो यहाँ पे है। गुलशन कहाँ गया? हाँ, अरे तू कहाँ जा रहा है? आ जा। गुलशन कहाँ गया? गुलशन ने जी पे करने गया। उसने बोला देखो मैं दूंगा वाला। एक बंदे को सुबह बोला मैंने कॉल करके, वो बोलता है मैं पैसे से देता हूँ। तेरे को चाहिए पैसे से? नहीं चाहिए तो ए, हमारे पास है जुगाड़। देख ले, मैंने नंबर 20 का जुगाड़ से किया है। मेरी थोड़ी है टी शर्ट, इसने ली नई टी शर्ट और मैंने ले ली से। नमस्ते मैम। पक्का ना? कितनी देर में? 5 मिनट में। यार रील्स वगैरह कंप्लीट हो गया, अब जाएंगे हम नेम लिखवाने अपना। तू भी जा रहा है पार्टिसिपेट करने? नहीं भाई, बताया मैंने तेरे को कौन सा है। सो पता है क्या सीन हो रहा है कि अब हम जा रहे हैं ट्रिप के लिए कहीं, तो इसकी गाड़ियाँ भाई बॉडी बिल्डिंग का नहीं है उसमें, मिस्टर हैंडसम का भी है भाई। तेरे जैसे हैंडसम हम हो जाए तो हम तो देखो, तू भी कर सकता है ड्राइव। घंटा नहीं कर सकता है भाई, कर नहीं सकता है। मैं कॉलेज में पढ़ता ही नहीं, तो मैंने ऐसा नहीं है कॉलेज का भाई। देखो अगर आप लोग देखो अगर 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 आप लोग सुनो सुनो पता है क्या, 1500 आज देना। सुनो अगर आप इसका जुगाड़ वहां पे देगा, सुनो चुप रहा, सब सबको बता देते हैं। अगर आप लोग भी जाना चाहते हो ना, तो मतलब कि यहाँ पे होने वाला है कॉलेज में, वो है मिस्टर हिमाचल टाइप ही है उसमें, मतलब मिस्टर हैंडसम का होगा, एक होगा बॉडी बिल्डिंग का, लड़कियों के लिए भी है लड़कों के लिए भी। सो 14 तारीख को होगा। लड़कियां कैसे कपड़े पहन के आएगी? बॉडी दिखाने के लिए जैसे पहनती है। कैसे पहनती है? जैसे पहनती है वैसे पहनेगा। नहीं मैं तो मैं उसमें जा रहा हूँ मिस्टर हैंडसम में। सो हाँ, तो तभी वहाँ पे क्या होगा ना कि 1500 रुपये चार्ज करनी पड़ेगी फीस, मतलब जाना पड़ेगा उधर। और नहीं होता तो मैं लिंक दे दूंगा ना वहाँ पे, एक नंबर दे दूंगा मैं, उनको कॉल करके पूछ लेना क्या सीन है। तो ब्लॉग में लेना राज भाई को। हाँ ब्लॉग में ले लूँगा उनको, फिर तब बढ़िया उन वो बोल देंगे कि क्या सीन है, ठीक नहीं है। सो ऐसा करते हैं, थोड़ी देर घूमते हैं यहाँ पे, फिर चलते हैं इसके साथ थोड़ा घूमते हैं। जाने मन काफ़ी ज़्यादा दिन बाद आई है अपनी। सो इसको टिप्स देनी है थोड़ी मिस्टर हैंडसम की। मिस्टर ब्यूटीफुल तो ये है पर बनानी है। कैमरे वाला, कैमरे वाला क्या करना तूने? सुन नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रखना। सुन इसे पूछ लिया, देर से पूछना। हम जा रहे हैं ना, मतलब पानी पीने जा रहे हैं हम दोनों, तो प्यास लगी है किसी को, तो हम दोनों में से कौन पिएगा? एक ही बंदा पी सकता है। प्यास दोनों को लगी है, एक ही बंदा पी सकता है, पर कौन पिएगा? ऐसा कैसा कि पानी हो कि एक ही बंदा पी सकता है, ऐसा क्या पानी है? मतलब खत्म हो गया, रूल है, रूल समझो, रूल है, रूल समझो। एक ही बंदा भी हाँ, कुर्बानी है, मतलब दोस्त के लिए कुर्बानी है। ठीक है मैं पी लूं, ठीक है, उसके आगे जा रहे होंगे ना हम? हाँ बिल्कुल, बता बैठ सही, मेरे को पता है तू क्या मरेगा, मेरे को पता है तू क्या। चल तेरे से पूछता हूँ उसके, मेरे से मैं समझ गया ना इसने क्या बोला। आजा सुना दिया मैंने तेरे को, शायद वैल ही है ना। रॉबिन को बुलाते हैं, उसको भी पता है, कोई और बंदा पकड़ते हैं उससे पूछते हैं, ठीक नहीं है? बंदा तो अपनी फोटो ही खिंचा के नहीं मानता भाई। माना यार तू स्मार्ट है यार, तेरे को भगवान ने स्मार्ट जन्म दिया है। तेरे जैसा बंदा पूरी सुन, तेरे जैसा बंदा पूरी दुनिया में जन नहीं हो सच हो रहा, तेरे जैसा बंदा पूरी, तेरे जैसा बंदा पूरी दुनिया में नहीं है। तो भी मैं रुक जाओ, रुक भाई नहीं है, भाई नहीं है, प्लीज 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 बैठ रहा, बैठ रहा हूँ, बैठ जा यार प्लीज बैठ। सुनो मैं तेरे से एक क्वेश्चन पूछना। हाँ नहीं पूछना, जो मैं अपनी वीडियोस में अपशब्द का प्रयोग करता हूँ वो आपको ठीक लगती है नहीं ठीक लगती है? कौन से वाला? जो मैं मतलब
गालियां देता हूँ कभी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सच में भाई, बहुत बढ़िया। कई बंदे, कई बंदों को बढ़िया नहीं लगती हो तो वो थोड़ा म्यूट करके सुन ले यार, मतलब होती रहती है ऐसी बकचोदी दोस्तों में, क्या करना। अब साथ की तुम्हारा गांड भी ले लेते हैं उसमें, कौन सा। अब देखो इसकी मैं रोज लेता हूँ तो भी नाराज नहीं होता। पता है क्या वो सीन है कि एक्चुअली मतलब ब्लॉग का मैं मतलब कुछ मत बोल यार, तू बैठ के बकचोदी है भाई ये, ठीक है बकचोदी है तो मैं बंदी लाइक करेंगे यार, ठीक है बकचोदियां, ठीक है भाई मैं सच नहीं बोलूंगा, मैं नहीं लेता इसकी, झूठ बोल रहा हूँ। सो अक्षय ने जाने से पहले इसके अंदर ये डाल दिया है। अक्षय क्या डाला है? जाने से पहले ये डाल दिया इसने इसके अंदर, देख तो। So finally, यार अब आ गया हम चना समोसा खाने। मतलब पहले पेपर की टेंशन में काफ़ी ज़्यादा मोटा हो रहा हूँ मैं, ऊपर से चना समोसा भाई अलग, सच में बुरा हाल है। रॉबिन भाई की कॉल आ गई यार। सो भाई हम तो पहुँच गए, कई बंदे अपनी बंदियों से लग रहे हैं कि कहाँ पे है तू भाई, कॉलेज में तो आजा मेरे से मिलने के लिए। मतलब हाँ बढ़िया यार, और अंकल कैसे देख रहे हैं यार यहाँ, पता नहीं कैसे हो रहा है, सब बढ़िया है। 2 बजे यार, 1 बजे है। टी शर्ट बढ़िया लगी, देखा टी शर्ट बढ़िया, टी शर्ट हॉल्ला चल पड़ा है, हॉल्ला आया मैं गलाने, कैसे हॉल्ला देख हॉल वे पर नहीं है, तीन निकलाने आया मैं वे। ओ भाई हम सिंगल यार, हम सिंगल है, अच्छे हैं हम, अच्छे बच्चे हैं भाई। इसको इग्नोर कर दिया बंदी ने, कॉल ही कट कर दी इसकी। कोई अगर हो लाइन में तो कमेंट करके बता दे इस बेचारे के लिए, क्योंकि आज इसको धोखा मिल चुका है। ये मुझे बता ही नहीं रहा इसकी बंदी कौन है भाई, मैं देखना चाहता हूँ, पर दिखाएगा वो, खाते हैं चना और उसके बाद चलते हैं। फाइनली अपने टेस्टी टेस्टी चना समोसा आ चुका है, चलो खाते हैं इसको बढ़िया। सो फाइनली यार मतलब मैं अपनी बुलेट लेके आ रहा हूँ ना, और मेरी बुलेट जो है वो भाई चला रहा है आगे, तो मैं भाई की बुलेट लेके चला रहा हूँ, बढ़िया है एकदम से, चला के देखते हैं इसको क्या चला भाई। इसमें से ऐसे भी कितना पड़ रहा है सच में, तब भी लग रही है सही भाई काफ़ी ज़्यादा, और वो मेरी बुलेट गई आगे। सो फाइनली यार मैं बाइक चला के आ गया हूँ, मतलब हाँ मैं बाइक की बाइक छोड़ने गया था ना, मतलब छोड़ने क्या गया था, उन्होंने अपनी बाइक खड़ी की हुई थी ना यहाँ से दो किलोमीटर आगे, तो उनकी बाइक लेके आए। और फिर हाँ अब ऐसा करते हैं ना, चुपचाप से लाइब्रेरी चलते हैं, कुछ है भी नहीं हमारे पास, ऐसे ही चलते हैं भाई वेले। चलें बिग ब्रो, चलें बस तू पूरी इसमें ऐसे ही करते रहे, अगर क्या इससे क्या फील होता है। चल आ जा, हमारी कैंटीन इस तरफ है और लाइब्रेरी है यहाँ पे, हाँ अक्षय भी उधर ही होगा, फ़ोन करते अपना, चला फ़ोन साइलेंट कर ले अपना, चल। सुबह हमें लाइब्रेरी में कौन मिला, हमें लाइब्रेरी में कौन मिला यार, पढ़ता हुआ बेस्ट ऑफ लक भाई, भविष्य में रोशन करो हमारा, पढ़ लो भाई। सुबह लाइब्रेरी पूरी की पूरी खाली है, बस ये बैठा हुआ है यहाँ पे पढ़ने, अपनी फोटोज देखने। सो फाइनली यार हम लोग जो अंदर लाइब्रेरी में बैठा था ना, उसकी स्कूटी में आ गए अक्षय। सो यार यहाँ पे अक्षय की स्कूटी में रेड रेड कुछ निकला है, वो भी गिल्ला है एक तो गिल्ला है, रेड रेड पता नहीं क्या रेड रेड लेके आया भाई ये गिल्ला। यार हम लोग ग्राउंड में आ गए, अब यहाँ पे वीडियोस वगैरह बनाते हैं, क्योंकि जिन भाई से हम मिलने जाने वाले थे ना, वो भाई जो है वो बोल रहे हैं कि 3 बजे आना, तो तब तक हम यहाँ पे रील्स ही शूट कर लेते हैं, फोटोज वगैरह खींच लेते हैं बढ़िया, फिर चलते हैं ऊपर। रील्स भी ना अच्छी नहीं आ रही है, मतलब नहीं आ रही है ठीक यार, है ना, शक्ल नहीं ऐसी है तो कहाँ से, हाँ भाई शक्ल ही ऐसी है तो कहाँ से अच्छी आई है तेरी, तो ठीक है मैं अपनी बात कर रहा हूँ। नहीं भाई सबकी हम दोनों की ऐसी शक्लें हैं, कहाँ से ठीक आएगी यार, हमें जाना पड़ेगा अब जिम, उधर जाते हैं, और आज का दिन तो सच में बेकार हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि मेले में चलना है, जिम में किसने जाना है यार, देखो भाई ये बंदे बाजू बता, अपने भाई साहब बता दे एक बार, वही बंदे भाई, जितना इसका भाई साहब है उतना तो मेरा तो भाई ऐसा करते हैं ना कि ये देखते हैं, अगर जिम तो जाना है भाई, नेम तो लिखवाना है, क्योंकि जिम तो जाने लिखवाना है। ये क्या क्यों काटता है भाई, कहाँ ये काटा नहीं है भाई, आग से जला हुआ है, काटा नहीं है भाई आग से जला है। हम ऐसा करते हैं चलते हैं इधर से और जिम भी चलते हैं भाई, यहाँ पे जिम भी जाते हैं हमने यार, एकदम से रहा है कॉलेज से आया था और एकदम से मेरे हाथ में बता रही क्या हो गया है, हाँ यहाँ पे मेरे को किसी ने कुछ काटा था और उस वजह से मेरा पूरा का पूरा हाथ हो गया है, पूरे फेस पे भी हो गया है,
उसको कुछ बोला भी जा रहा है भाई यहाँ पे पूरा पूरा। एक्चुअली मैं जिप गया था ना, उस वजह से शायद इतना ज़्यादा हो गया यार हाथ में, यहाँ पे काटा था बद बखी रहे, और उसके बाद भाई पूरी की पूरी बाजू ऐसी हो गई है। देखो बाजू क्या हो गया भाई यहाँ पे पूरा का पूरा ही मतलब। हाँ फेस पे भी यहाँ यहाँ पे हो गया है, गले में यहाँ पे, यहाँ पे तो यार मेरे बाजू में क्या ही हो गया बोला। हाँ पूरा का पूरा इरेक्शन ही हो गया है, इरेक्शन पैर में भी हो रहा है, मेरे को लग रहा है पैर में खारिश लगी है। और पता नहीं पूरी बाजू में क्या हो गया, वो जा रहे हैं हॉस्पिटल देख चल गया था, मतलब दोनों बाजू भाई पूरी बॉडी में हो गया है, मतलब सीधा देखो पूरी गाड़ी में। इमरजेंसी में चलते हैं फटाफट, हॉस्पिटल लेट तो चुका बट शिट यार पूरी पूरी बॉडी में हो चला है, चक्ष लग पड़ा है यहाँ पे, पर मुंह में भी हो फिर रहा है भाई। सो फाइनली यार हम पहुंच गए, मतलब अभी जिम जाना ना हमने एक भाई से बात करने के लिए। सो तभी अच्छा इधर ऊपर है, तू जाता पहले इधर जिम में ना, यहाँ से टायर चलाना होगा। लग रही है अभी ठीक ठीक लग रही है ऊपर है ना, चल सो फाइनली मैं जो हूँ सर के पास में आया हुआ था यहाँ पे, मतलब एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा जिम है ना, मतलब हमारा जिम है उनसे भी ज़्यादा बड़ा है। सो हाँ मैं सर के पास आया था तो सर से पूछ रहा था मैं कि क्या क्या चाहिए उसके लिए, मतलब जो मैं मिस्टर हिमाचल में शो करने वाला हूँ, शो नहीं करने वाला हूँ, मतलब मिस्टर हिमाचल थोड़ी है वो, मिस्टर हैंडसम है शायद है ना, तो सर अच्छा वो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा कम होता है, मतलब बंदे उसके लिए चंडीगढ़ जाते हैं, और मेरा तो काफ़ी ज़्यादा फैट गेन हो गया था, तो मैंने सर को बोला कि मैं क्या क्या करूँ, तो सर ही बताएंगे आपको आगे। ये जो फैशन मॉडलिंग का जो यहाँ पे चैंपियनशिप हो रही है ये, इसके लिए मैंने यहाँ पे देखा जो हिमाचल के मैक्सिमम लोग हैं और हमारे यहाँ लोकल टीम है, ये चंडीगढ़ दिल्ली दिल्ली ऐसे ऐसे जगह पर प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं ऐसे, यार यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता। लेकिन हम इस बार पिछले कई सालों से हमने यहाँ पे अब जितने भी एथलीट हैं जितने भी हमारे मॉडलिंग करने वाले इंडस्ट्री लोग हैं उनको बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हुआ है यहाँ पे, हम यहाँ अपने लोकल टीम में डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी कॉम्पिटिशन कराते हैं इसमें रखा हुआ है, और फैशन का क्योंकि मिस्टर है हैंडसम का चलता है इसमें, तो अगर आपको घर गाँव में नज़दीक में अगर आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो ईजिली मिल रहा, तो मैं नहीं सकता कि आप इसको स्किप करना चाहिए आपको। मैं तो एक्चुअली पहले काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था इन चीज़ों को लेके, बट मेरा एकदम से ना पेपर के चक्कर में वेट गेन हो गया, फिर मैं पहले सर के पास ही आना चाहता था यहाँ पे जिम में, बट पेपर के टाइम मेरे को ना टाइम नहीं मिलता था, और कॉलेज के टाइम में भी मैं मतलब कभी बाइक में आता था कभी बस में आता था, उस वजह से तो आज सर से मिलने का मौका मिल ही गया हमें। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा अगर किसी ने भी अगर बॉडी बिल्डिंग या फैशन मॉडलिंग या बरमूडा में या अपना मिस्टर हैंडसम में अगर इसमें पार्टिसिपेट करना है या ट्रेनिंग लेनी है तो आप प्लीज़ राज फिटनेस सेंटर सरकार में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम बेस्ट बेस्ट अच्छा से अच्छा आपको प्लेटफॉर्म दिलाएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल का स्टेट लेवल का नॉर्थ इंडिया लेवल का इंडिया लेवल तक जितना पॉसिबल हो जाए हम आपको अच्छा सा अच्छा प्लेटफॉर्म दिलाएंगे, बस आप थोड़ा सा अपने अंदर स्पार्क रखो, थोड़ा सा गट्स रखो, दम रखो, बस आपको थोड़ा। मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिला सर से, मतलब मेरा वेट गेन हो गया था ना सर ने, मेरे को काफ़ी ज़्यादा सही टिप्स दी, तो हाँ मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, नंबर भी दे दूंगा, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग आ सकते हो यहाँ पे, और क्या बता मैं भी तब तक वेट कम कर ही लूँ, तो हाँ सर की कृपा रहेगी, तो हम सर से पूछते रहेंगे कि क्या क्या करना है हमें, क्या क्या खाना है। सो अभी जिम दिखाता हूँ आपको थोड़ा बहुत, और फिर निकलते हैं इधर से, घर वाले वेट कर रहे होंगे, पहले ये प्रॉब्लम हो चुकी है मेरे को। सो ये है जिम कुछ, बोलो काफ़ी ज़्यादा सही है यार है ना,
तो देखता हूँ मैं वी आई ज्वाइन कर लूंगा अगर मैं लोग यहाँ पे रहूंगा ना तो उसका शीशे में यार मेरा तो काफी ज्यादा वेट गेन हो गया भाई। तो सर मतलब सिखाते भी हैं सबको प्रॉपर, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी तो आते हैं भाई, काफी ज्यादा सही सिखाते हैं सर। तो मेरे को टाइम मिलेगा सर, मैं आऊंगा आपके जिम में भी, है ना। फिलहाल अभी तो मेरी हालत ठीक नहीं है ना, नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा आपके पास, है ना। ठीक है सर, फाइनली सर से बात हो चुकी है, तो सर ने बोला कि काफी ज्यादा वेट तेरा गेन हो चुका है। तो भाई यार मैं क्या ही बोलूं, मतलब सच में काफी ज्यादा वेट गेन हो चुका है भाई, काफी ज्यादा भाई यार, पेट पे भी हो गया मतलब। हाँ यहाँ पे देखो यार खतरनाक ही, यहाँ पे बहुत ज्यादा पेट भी बढ़ गया ऊपर से, तो बात जू काफी ज्यादा सही हो गया। बट यहाँ पे है ना ये इनमें मतलब पीठ फूट में है, बाकी यहाँ पे तो ठीक ही है सीन, थोड़ा अब ठीक ही यार, यहाँ पे तो दवाई लगाते हैं। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल, और हाँ मैं भाई ठीक ही हो गया हूँ अब, मतलब पूरी रात भर ना दवाई वगैरह खाई थी ना, अब कोई भी निशान नहीं रहा है भाई। यहाँ पे पेट में जैसे था ना, यहाँ पे जैसे वो भी नहीं रहा है, बस ये फैट रह गया एक्स्ट्रा, और निशान वगैरह कुछ भी नहीं रहा अब, मतलब हाँ ख़त्म ही हो गया निशान भाई, बढ़िया। सो होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और अब से डेली वीडियोज़ आएगी इस चैनल में भी और जो मेरे दूसरे चैनल्स हैं वहाँ पर भी। सो हाँ, बाय, टेक केयर।